तमिलनाडु के कोयंबटूर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक चोर ज्वेलरी शोरूम की तीसरी मंजिल पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गया। उसके सामने करोड़ों के सोने चांदी के गहने रखे थे, लेकिन उसने केवल अपनी जरूरत के हिसाब से महज 1 लाख के गहने चुराए। पुलिस ने लंबी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। 35 फीट ऊंची दीवार, इमारत की तीसरी मंजिल, यहाँ तक बिना किसी सीढ़ी के पहुँचना आसान नहीं होता। लेकिन एक चोर किसी स्पाइडरमैन की तरह इतनी ऊंची दीवार पर चढ़कर एक ज्वेलरी शोरूम की तिजोरी तक पहुंच गया। वहां करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात रखे थे, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ उतने ही गहने लेगा जितनी उसे जरूरत है। उसने वहां से सिर्फ 1 लाख की ज्वेलरी चुराई और चलता बना। इस दौरान उसने अपने कपड़े जरूर बदले, लेकिन एक चूक हो गई। उसका शर्ट जल्दबाजी में वहीं छूट गया। उस शर्ट की जेब में एक बस टिकट रखा था, जो उस तक पुलिस के पहुंचने का जरिया बन गया। पुलिस को चोर का सुराग जरूर मिल गया था, लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ज्वेलरी शोरूम के मालिक की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 5 टीमें बनाई। इसमें 47 पुलिसकर्मी शामिल थे। उस अनोखे चोर को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने 350 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटरऑपरेटेबल आपराधिक न्याय प्रणाली के उपकरणों का उपयोग करने के बाद पुलिस को एक लीड मिली। पता चला कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर अनामलाई में अपने एक दोस्त के घर की तरफ चला गया। पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। उसी वक्त एक दूसरी टीम भी बाइक चोरी की जांच के लिए सिलसिले में वहां पहुंची। पुलिस की दोनों टीमें जैसे ही घर के अंदर घुसी, चोर 15 फीट ऊंची दीवार को फांद कर अंधेरे में गायब हो गया। वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन उसके दोस्त के जरिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली। चोर का नाम विजय मुनिरत्नम है, जो कि तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के हरूर के पास देवरेड्डीयूर का रहने वाला है। वो एक हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ चोरी के कम से कम 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके घर जाकर चुराई हुई ज्वेलरी बरामद कर ली है। इस वारदात में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में विजय की पत्नी नर्मदा को गिरफ्तार कर लिया। वो अपनी 3 महीने की बेटी के साथ जेल चली गई, लेकिन मुख्य आरोपी विजय पुलिस से भाग रहा। डिप्टी कमिश्नर जी चंदीश के मुताबिक विजय मुनिरत्नम पुलिस से बचने के लिए धर्मपुरी के जंगलों में छिप गया, अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया ताकि पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस न कर सके। लेकिन पुलिस की अलग अलग टीमें उसके रिश्तेदारों और दोस्तों पर नजर बनाए हुए थी। इसी बीच उसने अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया। पुलिस को उसकी लोकेशन चेन्नई में मिल गई। कोयंबटूर पुलिस के अलर्ट के बाद चेन्नई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद करीब 2 हफ्ते तक चूहे बिल्ली की दौड़ के बाद पकड़ में आए विजय ने जब चोरी की वजह बताई तो पुलिस भी दंग रह गई। उसने बताया कि मकान के पट्टे के लिए उसे 1 लाख रुपए की जरूरत। उसने कुछ रिश्तेदारों से पैसे मांगे, लेकिन सबने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने एक मेडिकल शॉप में चोरी की योजना बनाई, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसने ज्वेलरी शॉप में चोरी की योजना बनाई। रेकी करने के बाद उसे पता चला कि शोरूम की तीसरी मंजिल पर ज्वेलरी का सामान रखा जाता है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके लिए उसने 14 दिन तक प्रैक्टिस की। उसके बाद 2 दीवारों के बीच में स्पाइडर की तरह चढ़ गया। उसने शोरूम से केवल 1 लाख की ज्वेलरी चुराई, क्योंकि उसे उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु पुलिस के पल्ले पहली बार एक ईमानदार लेकिन शातिर चोर पड़ा है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।